अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको कल दिखाया था कि केज को पेंट किया कर लिया था और ये थोड़ा थोड़ा गीला था, अब अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब इसमें लकड़ियां ऐड कर देंगे और इसके पोर्शन बना देंगे, फिर बाद में इसमें बर्ड्स भी डाल देंगे। ये लकड़ियाँ ऊपर रखी हुई हैं, साफ करके इनको अब केज में लगा देंगे। ये वाले पोर्शन की लकड़ियां फिट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक पोर्शन की फटियां लग चुकी हैं, अब दूसरे पोर्शन की तैयारी करने लगे हैं। माशाल्लाह दो पोर्शन तैयार हो गए हैं, ये ऊपर वाला भी तैयार हो गया है और ये नीचे वाला। अब इनकी छत, ये देखो जी, माशाल्लाह केज तैयार हो गया है। अब इसमें बर्ड छोड़ने लगे हैं। केज के दो पोर्शन तैयार हो गए हैं, अब बारी है इनमें स्टिक लगाने की, जिधर बर्ड्स बैठा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड्स इस केज में कर दिए हैं। सबसे मुश्किल जो काम है वो इस तरह के केज से बर्ड को पकड़ना है। काफ़ी देर के बाद पकड़कर इनको इधर कर दिया है और ये देखो मिठू का काम, ये इधर आकर बैठ गया है और ये फिशर इधर हैं, फिशर इधर कर दिए हैं। आपको बताया था कि ये जाली में से, इसके अंदर जाली लगी हुई थी, जाली के नीचे आ जाते थे, इसलिए इनको अब इधर कर दिया है। गर्मी ज़्यादा है, इनको खतरा था कहीं कुछ हो ही ना जाए। अब सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बर्ड ही इधर रह गए हैं, ये केज खाली कर दिया है। इसमें कभी कभी हम मिठू को छोड़ दिया करेंगे। आ जाओ मिठू, ये देखो इसमें सीढ़ी भी लगी हुई है। मिठू इस तरह के काम काफी शौक से कर लेता है। केज का काम मुकम्मल हो गया है, अब इनमें सिर्फ पक्षियां लगाने वाली रह गई हैं। अब हम पक्षियां लगाने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा काम कंप्लीट हो गया है, पक्षियां भी लगा दी हैं, ये देखो, और सप्लाई भी ऊपर रख दी है। ये बच्ची तरह पेयर लगेंगे इनके, फिशर के साथ और लतीनों के साथ पेयर लगेंगे। अब हम आपको कबूतर दिखाते हैं जो हम न्यू लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारा कबूतर है। अब हम छत पर आ गए हैं, वो जो हमने वाइट अमेरिकन कबूतर लिया था वो ये है, ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये मुझे गिफ्ट मिला है, किसी ने दिया था, और अब हम इसके साथ जल्द ही फीमेल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारा मेल है, ये हमारे कबूतर तो इसके साथ बहुत छोटे लग रहे हैं इसके पास। ये देखो जी, ये सेंटिनेट तो बिल्कुल ही छोटे छोटे लग रहे हैं इसके पास। ये देखो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। लक्के कबूतर भी इसके पास बहुत छोटे लगते हैं, ये देखो जी। ये सेंटिनेट का जो एक रह गया था चिक्स, ये देखो माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये लक्के कबूतरों के चिक से काफ़ी बड़ा है और तेज़ भी है, एक से छोटा है लेकिन तेज़ ज़्यादा है। ये देखो जी माशाल्लाह, ये खुद ही बाहर आ जाता है और लक्के कबूतर के बच्चे भी, जो ये लक्के कबूतर हैं इनके बच्चे पकड़ कर बाहर रखने पड़ते हैं। ये उनको खुराक ज़्यादा दे रहे हैं लक्के, इसलिए उनका एक चिक बड़ा है और एक छोटा है।
मैं आपको दिखाता हूँ लकी कबूतर का भी जो चिक है, ये देखो, ये मैंने बाहर निकाला है, ये बड़ा चिक है माशाल्लाह, ये भी जल्दी ही सेल्फ हो जाएगा। अब दूसरा चिक भी दिखाता हूँ, दूसरा थोड़ा छोटा है, सेंटीनेट का चिक खुद ही दाने खा लेता है। अब ये देखो, मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ लकी कबूतर का चिक दूसरा। ये देखो जी, ये दूसरा चिक है, ये इतना फ़र्क है, ये काफ़ी बड़ा है और एक छोटा रह गया है, एक सेंटीनेट के चिक से भी छोटा रह गया है। ये देखो जी माशाल्लाह, सेंटीनेट उधर बैठ गए हैं जाकर, और इंशाल्लाह जल्द ही हमने इस केज में अमेरिकन के का पेयर लगा देना है। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जल्दी ही इनकी फीमेल मिल जाए, जैसे ही फीमेल मिलेगी लकी कबूतर को उधर डाल देंगे और अमेरिकन को इस केज में, बड़े केज में कर देंगे। ये देखो जी माशाल्लाह, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।